प्रदेश भर में आज विश्व कृमि मुक्ति दिवस मनाया जा रहा है। इसी के तहत बालौदाबाजार में प्रत्येक स्कूल में बच्चों को कृमि नियंत्रक की दवाई खिलाई गई। इस मौके पर कलेक्टर और एसपी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि कृमि से संक्रमण में बच्चों को काफी कमजोरी और कुपोषण का प्रभाव रहता है। इससे एनीमिया और भूख न लगने की शिकायत रहती है। कृमि परजीवी होते हैं और ये मनुष्य के आंत में रहते हैं। कृमि नंगे पैर खेलने, साफ सफाई न होने, बिना हाथ धोकर खाना खाने से फैलता है। प्राथमिक शाला इंदिरा कॉलोनी में 114 बच्चों को दवाई खिलाई गई। सभी बच्चों ने खा लिए? हाँ, सभी बच्चों ने। किसी को तकलीफ वगैरह तो नहीं आई? नहीं। 8 अगस्त को राष्ट्रीय कृमि दिवस मनाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग दोनों के सहयोग से सभी बच्चों को कृमि की दवाई खिलाई जा रही है। इसमें एल्बेंडा जोल नामक टेबलेट जो है प्रत्येक बच्चों को खिलाया जा रहा है और हमारा टारगेट 100% बच्चों को कृमि की दवाई खिलाना है।